बिग बॉस के बाद जहां सभी लोगों ने तुरंत अपने फैंस से बात किया और बहुत सारे इंटरव्यूज किए, सिद्धार्थ ने लिया छोटा सा ब्रेक, बड़ा सा नहीं, और आई थिंक पूरी तरह से रिलैक्स हो गए सिद्धार्थ एकदम काफी हद तक। ओके, सो क्या क्या किया बिग बॉस से आने के बाद? थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत आराम, थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत आराम, पर अब थोड़े बहुत इंटरव्यूज। ओके, हमने देखा कि बहुत बिजी थे डे वन से, जब से आप घर में गए तब से कुछ हेल्थ इश्यूज भी हुए, सब कुछ रहा, बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस पर्सनली? सी, एट द एंड ऑफ द डे जब आपको हाथ में ट्रॉफी मिल जाती है तो वो सब बहुत वाइल्ड रहता है, सो दैट्स व्हाई अब सब बहुत वाइल्ड रहता है। अगर शायद भगवान ना करे अगर ट्रॉफी नहीं जीती होती तो फिर बहुत सी चीज़ें होती, लेकिन अब इट्स ऑल गुड। ओके, बेस्ट पार्ट क्या था बिग बॉस हाउस का? बेस्ट, आई थिंक द शो ऑन इट्स ओन ही इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि जिस तरीके से आपको जिस माहौल में वो लोग रखते हैं और जो माहौल क्रिएट होता है, जो माहौल आप खुद क्रिएट करते हो अपने लिए और जो चीज़ें होती हैं, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो। ओके, जो बिना एंटरटेनमेंट के कोई साधन होने का, वहाँ पर आप खुद को कैसे एंटरटेन करते रहते हो और कैसे एंटरटेन रहते हो और कैसे उतनी सी जगह में आप यू नो अपनी दुनिया बसा लेते हो साढ़े चार महीने तक, इज़ फैंटास्टिक। तो जैसा आपने बोला कि जैसा माहौल क्रिएट किया जाता है और जैसा आप करते हो, कोई ऐसा माहौल जो आपने क्रिएट किया हो जानबूझ के प्री प्लानिंग के साथ कि लेट्स डू इट? प्री प्लानिंग के साथ तो शायद कुछ नहीं किया है, नहीं प्री प्लानिंग नहीं, कुछ सब कुछ स्पॉन्टेनियसली हुआ, ऐसा प्री प्लान कुछ नहीं था। प्री प्लान सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, जब टास्क हमें मिलता था तो उसके पहले आप जो प्लानिंग कर लेते हो बस वही, लेकिन रोज के घर दिन जिंदगी में आप ऐसा कुछ प्लान नहीं करते, एटलीस्ट मुझसे, मैंने तो प्लान नहीं किया। और चार महीने आप किसी घर में इस तरह से बिता पाएंगे, कभी सोचा था लाइफ में कि एक पैक्ड पूरा कैमरों से सबकी नजरें हैं, ऑडियंस देख रही है, कभी होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। और अपनी फैमिली से दूर रहूं, इतना मतलब दूर तो फिर भी रह लो, पर इतना वक्त तो मैं कभी दूर नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी दूर रहूं, फ़ोन भी ना कर सकूं और मिल ना सकूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा, घर के अंदर जब आप थे तो आपको तो सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन काफ़ी ट्रोल भी हुए थे आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कभी फाइट कभी कुछ, तो ये आने के बाद जब सारी चीज़ें पता चली तो हाउ डिड यू रिएक्ट? इट डिड नॉट मेक अ डिफरेंस, ऑनेस्टली इट डिड नॉट मेक अ डिफरेंस। बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम बिग बॉस हाउस? शहनाज। और आप लोगों की तो जोड़ी भी एकदम मैच हो गई है, एक नाम भी मिल गया सिडनाज का, तो अभी भी टच में है? आई मीन हम तो देखते ही रहते हैं, बट सिर्फ प्रोफेशनल टच में है या पर्सनली गुड फ्रेंड? नो, पर्सनली गुड फ्रेंड्स, प्रोफेशनली क्यों? तो जो आप लोगों का एक पेयर बना था बिग बॉस के हाउस में, क्या वो फ्यूचर में जाएगा? फ्यूचर में तो जाएगा ना, मतलब फ्यूचर में जाएगा बिल्कुल, जैसा पेयर वहाँ पे था वैसा ही पेयर रहेगा, मतलब फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स रहेंगे, नॉट मोर देन फ्रेंड्स। हाँ नहीं। ओके, हमने बिग बॉस के लॉन्च पे देखा था कि जितनी लड़कियां थी सबको एक चूज करने का राइट दिया गया था और सब सिद्धार्थ 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 यही था। सो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी कि इतने लोग हैं बॉस लेकिन सब लोग मुझे ही चूज कर रहे हैं? तभी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा कि वो सब काम के लिए था तो बहुत बुरा लगा। आपके फैंस आपको लाइव देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? यही कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू, एंड इट्स बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट दैट टुडे हियर आई एम एंड चेतना इज वांटिंग टू हैव माय इंटरव्यू, बिकॉज हैड आई नॉट वन द ट्रॉफी शी वुड नॉट डू दिस इंटरव्यू विद मी, सो थैंक यू, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक्स टू दैट आई हैव द ट्रॉफी, इन फैक्ट वी हैव द ट्रॉफी। लेट मी टेल यू, इसके पहले भी हमने बहुत सारे स्टोरीज की, कर रहा हूं मस्ती कर रहा हूं, टेली टॉक ने हमेशा सपोर्ट किया। राइट 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 राइट। व्हाट अबाउट फिटनेस? वी कैन सी लाइक यू आर फुल्ली फिट एंड मेंटेन योरसेल्फ, सो कितना टाइम निकाल पाते थे उसके लिए? वहाँ पे तो इतना नहीं निकाल पाता था, लेकिन अब काफ़ी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, और अगर आप बोल रही हैं फिट तो खुश हूँ मैं। ओके ओके, आपके जो फैंस हैं उनकी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैंस के बोलें कि ऐसी लड़की जो उन्होंने एक टैग चूज कर लिया है रश्मि के लिए स्पेशली, उसको बंद कर दें वो बात, ऐसी लड़की वो वर्ड ना यूज़ करें। कौन? आपके फैंस। मेरे फैंस कहाँ यूज़ कर रहे हैं? मैं तो ट्विटर वगैरह पे शायद यूज़ कर रहे होंगे, ये फैंस का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। ये तो ऐसी कैसी पे डिपेंड करता है ना, ऐसी लड़की वो तो नॉर्मल तरीके बात है ना करने का, कि ऐसे ऐसा तो बात करना तो नॉर्मल होता है ना यार, ऐसी लड़की है। ओके, हाँ तो वो थोड़ा कोई गंदी चीज़ है, ऐसा ऐसी लड़की में थोड़ा कोई गंदी बात होती है। ओके, आई एम श्योर वो कोई गंदे वे में नहीं बोल रहे होंगे। बिग बॉस से बाहर आने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि आप कहीं कहीं गए भी फ्रेंड्स से मिलने के लिए, बेस्ट पार्ट क्या था जो पहला आने के बाद? मॉम तो मिली थी आपकी वहाँ पे, उसके बाद किससे मिलना हुआ? नहीं, अभी तो भी वर्नियर्स में अपने पुराने फ्रेंड्स को भी नहीं मिल पाए हूँ, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि मैं मिलने का टाइम नहीं मिला है, पर हाँ ये कि मैं बाहर जा सका हूँ, अपने टाइम जितना टाइम बाहर रहना रह सका हूँ,
कुछ जो खाना है खा सकता हूँ, जो पीना है पी सकता हूँ, जिन लोगों को मिलना है मिल सकता हूँ, जब सोना है सो सकता हूँ, जब उठना है उठ सकता हूँ, तो वो चीज़ें वो बंदिशों से बाहर आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत सारे आपके सपोर्टर्स भी थे, बट दोनों साइड होता है, एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि सलमान सिद्धार्थ के प्रति बायस थे और बहुत सपोर्ट किया। आपको कभी ऐसा फील हुआ घर के अंदर भी कि मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर हफ्ते मुद्दे मेरी बातों के निकलते थे और मेरे ही बनते थे और मेरे बारे में ही बात होती थी और मेरे झगड़ों की बात होती थी। तो मैं तो बहुत बार सोचता था कि कहीं ऐसा हो जाए कि आज मैं ना दिखूं उस हफ्ते और हफ्ता निकल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं और हो नहीं पाया। और सर ने तो हमेशा मुझे डांटा ही है। इनफैक्ट एक पॉइंट पर आके उन्होंने ऐसा भी बोल दिया था कि इस बारे में बात नहीं करनी, विच वॉज वेरी सैड एंड आई वॉज हर्ट बाई दैट इन द सेंस, बट इट वॉज राइट, बिकॉज वो मुझे बताते थे चीज़ें बोलनी और वो चीज़ें वैसी नहीं होती थी, वो वैसा कंट्रोल नहीं हो पाता था, तो मुझे बहुत ख़राब लगता था कि मैं उनको लेट डाउन कर रहा हूँ। ओके, कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत पार्ट रही हैं, आप कॉन्ट्रोवर्सीज को स्पेशली जब पर्सनल लाइफ से हो तो किस तरह से हैंडल करते हो? मैं बात नहीं करता हूँ उन बातों पर। सितारा, मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और यू हैव डन डेली सोप, रियलिटी शो, नाउ बिग बॉस, मूवी भी आप कर चुके हैं। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली, कि जो फोकस है वो किधर है आपका, किधर कर रहे हैं? ऑन डूइंग गुड वर्क। वेल, अभी तक कुछ लाइन तो आई होप लग गई होगी, भले आप रिवील ना करें हमसे, बट स्टिल आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें आई होंगी पाइपलाइन में। भगवान करे आप जितना श्योर हो उतना श्योर सब चीज़ें भी हों, वैसे ही काम हो।